तो फाइनली वेट इज ओवर। एनसीईआरटी के एग्जाम्स डेट रिलीज हो चुकी है, एडमिट कार्ड भी रिलीज हो चुका है। 30 अक्टूबर को पेपर है भाई, और आपका पेपर में 90 क्वेश्चंस आएंगे, चाहे आपने टेक्नीशियन पोस्ट से भरे हो, चाहे आपने मेंटेनेंस इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा या जेई कह लीजिए उस पोस्ट से भरा हो, ठीक है। तो ऑब्वियसली टेक्नीशियन पोस्ट आईटीआई वाले स्टूडेंट्स के लिए, और मेंटेनेंस पोस्ट इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस पोस्ट जो है डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स के लिए। 90 क्वेश्चन में अब आप ये देखिए, इन्होंने ये एडमिट कार्ड पे नहीं बताया कि कितना क्वेश्चंस कितने कितने नॉन टेक आएंगे, कितने टेक आएंगे। हालांकि 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी, ये बात उन्होंने कह दी है वहाँ एडमिट कार्ड में, ठीक है। जो टेक्नीशियन पोस्ट का एग्ज़ाम है बच्चे, वो सुबह के लिए शेड्यूल्ड है उनका, सुबह वाले हाफ में, और जो आपका आफ्टरनून हाफ है उसमें इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस का एग्ज़ाम है। तो जो दोनों बच्चे भरे होंगे फॉर्म, वो दोनों आराम से दे पाएंगे। अब आप एक बात समझिए, इसमें इम्पोर्टेंट क्या है। तो बात कर रहे थे हम लोग क्या कितना नॉन टेक और कितना टेक आएगा। तो बच्चे, जब इन्होंने नोटिफिकेशन में सिलेबस रिलीज़ किया था, तब इन्होंने 100 क्वेश्चन या 100 मार्क्स के लिए बात करी थी, जिसमें 50 मार्क्स इन्होंने टेक के लिए बोले थे, 50 नॉन टेक के लिए। तो कहीं ना कहीं हम लोग ऑब्वियसली यहाँ पर भी वही अप्लाई करेंगे रूल, कि शायद हो सकता है आधे मार्क्स टेक के, आधे मार्क्स नॉन टेक के। बट देखिए, अभी इतना तो अपने को सोच के नहीं चलना है, अपने को टेक में भी फुल देना है अपना एनर्जी, और नॉन टेक में भी फुल एनर्जी देनी है। कैसे होगा साहब टेक्निकल? टेक्निकल की जिम्मेदारी आपको, ये मैं बता देता हूँ कि चाहे आपने एसोसिएट का फॉर्म भरा हो, चाहे टेक्नीशियन का भरा हो, रोज़ सुबह 7 बजे सबकी इच्छा है कि वो एग्ज़ाम क्रैक करे और हीरो बने। तो ज़ीरो टू हीरो बैच में आपको बिल्कुल ये बता दूँ, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम लोग लेके आ रहे हैं, जिसमें हम लोग बहुत डिटेल्ड कंसेप्ट में डिस्कस करते हैं, ठीक है। टॉप 50 क्वेश्चंस हम लोग लेते हैं, ताकि हम हर एक क्वेश्चन को थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से बेटर से डिस्कस कर पाएँ, ठीक है। नॉन टेक की क्लास बच्चे आपकी रोज़ 5 बजे शुरू होती है, ठीक है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चे, आपके कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो सभी बच्चों से मैं कह रहा हूँ कि 30 तारीख का एग्ज़ाम है, हार्डली 14 दिन रह गए हैं, 14 दिन भी पूरे नहीं हैं एक तरीके से देखा जाए तो। अब आपने क्या करना है, आपने इस बार पेपर क्रैक करना है, 0 to 0 batch, आपको एक भी क्लास मिस नहीं करनी। बहुत शानदार क्वेश्चन हम लोग लेके आ रहे हैं, और यूटिलाइजेशन का भी मेरा सेशन बच्चे शुरू होने वाला है 8:30 बजे रोज़ शाम, यूटिलाइजेशन का सेशन शुरू हो रहा है, चाहे आप JEE स्टडी चैनल पर हों या JEE ITI चैनल पर हों। तो मुलाकात करते हैं बच्चे, ठीक है। सुबह 7 बजे आप मिलिए मुझसे, हालांकि शाम 7 बजे भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स कर सकते हैं जेनिक ITI चैनल पे, जिसमें 8:30 बजे फिर मैं ज्वाइन करूँगा शाम में यूटिलाइजेशन के लिए। तो ऑल द बेस्ट, ट्राई हार्ड एंड गो गेट दिस जॉब दिस टाइम। ओके, बाय।